हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। दोस्तों आज मैं एक बॉक्स लेके आया हूँ आपके लिए। जो दोस्तों देखिए, ये NXT डिजिटल का है CH1000MC। इसमें दोस्तों क्या होता है प्रॉब्लम, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने बॉक्स चालू है, बट क्या है इसमें आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो इसका स्ट्रेंथ और क्वालिटी है, देखिए बहुत ही कम है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये बीच बीच में चलता है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, 55, 58, 59 यही है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेम बॉक्स यही बॉक्स है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी चैनल अटक अटक के चलता है, बीच बीच में ऐसे ब्लरिंग मारता है। देखिए जैसे अभी देखिए मार रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है इसका आईसी को चेक करेंगे। हो सकता है आईसी भी खराब हो, तो चेक करेंगे पहले हम बॉक्स को। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लेके आता हूँ, तो जो नए लोग हैं आप, तो वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहे दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों ये हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है और हम एडाप्टर लगाएंगे दोस्तों। तो हम पहले ये वोल्टेज चेक करेंगे, ऐसा तो वोल्टेज का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारा माइनस लगाएंगे ग्राउंड और यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ हमारा 5 वोल्ट क्लियर हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 5 वोल्ट आने लगा और यहाँ पे जो है हमारा 3.3। और दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे है 1.1। ये देखिए हमारा ये सब क्लियर हो गया। तो वोल्टेज के मामले में हमारा क्लियर दोस्तों। हो सकता है हमारा ये या तो ये आईसी खराब हो। देखिए हमारा जो ट्यूनर का आईसी होता है ये होता है, तो या तो ये आईसी खराब होगा या तो सीपीयू से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे सीपीयू से प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम पहला क्या करेंगे, चेक करेंगे एक बार, आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं दोस्तों। देखिए ये बॉक्स है। सोमवार से शुक्रवार तक भैया जी और शनिवार को, ये देखिए दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, और दूसरा कोई भी चैनल लगाएंगे दोस्तों तो इसका स्ट्रेंथ और क्वालिटी घट जाता है। अभी देखिए ये फुल हुआ है, क्योंकि ये कुछ देर बाद चलेगा तो प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स को सीपीयू को हल्का सा हम लिक्विड मार के और हीट करेंगे। इसे देखिए ये हमारा मैक्स फ्लूक गोल्ड है। दोस्तों देखिए हमने ये अच्छे से इसको हीट कर दिया है और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे इसको। दोस्तों आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं, तो थोड़ा दोस्तों लाइक और शेयर भी करते रहिए आप लोग। अभी हम ये डॉक्टर को लगाएंगे।
अभी देखे दोस्तों ये हमारा इंडिक्शन का लोगो आ गया है और जो इसका रिचार्ज है रिचार्ज फ्री का है, तो हम कोई एक चैनल जो चालू चैनल रहेगा वो लगाएंगे। ये स्कैन वन में लगा दोस्तों हिट मारने के बाद, देखिए दोस्तों ये हमने स्कैनिंग हो गया हमारा। अब एक कोई भी चैनल लगाएंगे दोस्तों ऐसे ही जो जिसमें पैकेज रहेगा। ये देखिए दोस्तों अभी भी यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखिए सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आईसी है, ये हमारा जो आईसी है ये चेंज करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आईसी कैसे चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा आईसी था जो हमने अभी निकाला, और इसके जगह पे दोस्तों हम दूसरा आईसी लेते। दोस्तों देखिए ये जो हमारा पुराना आईसी है, मैं आपको नंबर दिखाने का कोशिश करूंगा दोस्तों, ये देखिए। और सेम आईसी हमारे पास एक दूसरा है देखिए, और ये हमने इधर रख दिया था। इसको हम दोस्तों थोड़ा दूर कर देंगे, और ये जो आईसी है हम देखिए दोस्तों हमने आईसी को अच्छे से लगा दिया, देखिए अच्छे से फिर से लगा दिया। और साइड साइड में क्या करेंगे दोस्तों, हम अच्छे से इसको सोल्डरिंग कर देंगे, जिससे जो भी इसमें अंदर नहीं पकड़ा रहेगा वो भी अच्छे से इसका हो जाएगा। अभी हम चेक करेंगे एक बार दोस्तों लगा के, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों ये हमने ये आईसी लगाया था, तो अभी चेक करेंगे हम एक बार दोस्तों, वही चैनल फिर से लगाएंगे हम। तो देखिए दोस्तों अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये कहीं और से ही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखिए ये जो हमारा यहाँ पे एक डायबोर्ड लगा रहता है, यहाँ पे एक छोटा सा डायबोर्ड लगा रहता है, वो डायबोर्ड शॉर्ट था दोस्तों, तो इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा था बार बार। तो ये हमारा आईसी भी हमने अच्छे से डाल दिया नया, और ये भी। तो देखिए दोस्तों अभी हमारा सिग्नल बढ़ गया, देखिए। तो अभी दोस्तों ये हमारा क्लियर हो गया। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहेगा। कमेंट में कुछ भी रहेगा दोस्तों आप पूछ सकते हैं। जय हिंद जय भारत।